Now, as we have discussed the property of a magnet, that it will either attract or repel the materials, and it will freely suspend in north south direction. कि जो मैग्नेट है वो अपने आप को रेस्ट में कब लाएगी, कौन सी डायरेक्शन में लाएगी, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. सो देर इज एन अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्नेटिक कंपास. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट इफ वी हैव अ मैग्नेट एंड इफ वी फ्रीली सस्पेंड इट, इट विल लीड अस द डायरेक्शन. सो एज सेम एज अ कंपास इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, कंपास भी किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज होता है. इट लुक लाइक डायल ऑफ रिस्ट वॉच. ये कैसे दिखता है, जैसे रिस्ट वॉच का डायल होता है वैसे ही ये दिख रहा है हमें. एज अ रिस्ट वॉच टेल अस द टाइम, बट रिस्ट वॉच क्या करती है, हमें टाइम बताता है. बट दिस नीडल, ये नीडल हमें क्या बताती है, इट टेल्स द डायरेक्शन. ये हमें हेल्प करती है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल pivoted on a sharp pointed spot and free to rotate horizontally. Here pivoted means जो needle है ये fixed है from the center, but it can rotate freely. ये freely rotate कर सकती है like the hands of a clock. Now as we can see here on this magnetic compass, directions are written south, north, northeast, west direction. So when the needle is at rest, it will always be in south and north direction, and when we take it in another direction, the needle start deflect. So the magnetic needle always pointed towards the north south direction. North south direction mein hogi hamesha ye. Magnetic compass is mainly used by sailors, sea voyagers and explorers, taki wo kya kar sake, apne aap ko kabhi wo किसी दूसरे डायरेक्शन में ना चले जाएं, इसीलिए दे यूज मैग्नेटिक कंपास. द आउटर केस ऑफ अ कंपास इज ऑलवेज मेड अप ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, ब्रास और प्लास्टिक. ये किससे बना होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मींस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, उनसे बना हुआ होता है. इफ दिस वर टू बी मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा तो क्या होगा. इन दिस केस जो ये मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट हो जाएगी वो उस मटेरियल पे, एंड इट विल नॉट पॉइंट टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कभी भी सस्पेंड नहीं हो पाएगी. सो जो इसका बाहर का सरफेस है वो किससे बना हुआ होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से. नाउ हाउ कैन वी मेक अ मैग्नेट, हम अपनी एक मैग्नेट बना सकते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट दैट आर आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट. सो when we talk about artificial magnet means we can make magnet by our own. Now can we magnetize an iron bar, kya hum kisi ek iron bar ko magnetize kar sakte hain? Yes, we can make a magnet by our own. As an iron bar does not have any magnetic property, uski koi bhi magnetic property nahi hoti. So how can we make it, we can make it by टचिंग इट और बाय डबल टच. हम उसको क्या कर सकते हैं, एक सिंगल टच देके भी उसको हम बना सकते हैं मैग्नेट, और वी कैन गिव एन डबल टच. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस. वी कैन कन्वर्ट अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन इनटू अ स्मॉल मैग्नेट यूजिंग ए परमानेंट बार मैग्नेट. हम एक आयरन पीस को क्या बना सकते हैं, एक मैग्नेट बना सकते हैं बाय यूजिंग ए परमानेंट बार मैग्नेट. मींस वो मैग्नेट जो प्रॉपर्टी कभी लूज नहीं करती, दैट इज परमानेंट मैग्नेट. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. उस प्रोसेस को जिससे हम मैग्नेटिक मटेरियल से कोई मैग्नेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. एज वी कैन सी हियर, देर इज एन आयरन बार एंड देर इज एन बार मैग्नेट. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट, हम आयरन बार को क्या कर रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं बाई टेकिंग मैग्नेटिक मटेरियल, एंड हेयर द मैग्नेटिक मटेरियल इज बार मैग्नेट. देर आर मैनी मेथड्स टू मेक मैग्नेट फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत सारे मैथड्स हैं. वन सच मैथड इज द टच मैथड और स्ट्रोक मैथड. पहला मैथड कौन सा है, टच मैथड, कि हम उसको टच करा के भी मैग्नेट बना सकते हैं. देर आर टू डिफरेंट टच मैथड कॉल्ड सिंगल टच मैथड एंड द डबल टच मैथड. हम दो तरह के टच मैथड यूज़ करेंगे, एक में हम सिर्फ एक आयरन बार का यूज़ करेंगे, दूसरे में हम सिर्फ दो मैग्नेट्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ वी विल मेक अ मैग्नेट. Now we will discuss first the very single touch method. Single touch method mein what we have to do, we have to take an iron bar and
we have to take a permanent bar magnet and then we have to take either हम कोई भी पोल ले सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से. After then we have to start rubbing. हमें रबिंग स्टार्ट कर देनी है आपस में. We will have to repeat it multiple times. बहुत बार हमें क्या करना है, रिपीट करते रहना इस प्रोसेस को बहुत बार. Then one end becomes magnetized with the south pole and other will become north pole. जैसे ही हम इसको रब करना शुरू करेंगे after some time what will we observe कि iron bar start to become a magnet. So this is the single touch method. And the double touch method में we will do, we take the two magnets that are different with ends, जिनके different different end को हम rub करेंगे. From the center, here this is north pole and here this is south pole. यहाँ से center से हम इस side north pole को rub करना शुरू करेंगे and from the center to this side point A, we start rubbing south pole. And after some time, what will we observe that all these magnets loses their property. ये अपनी property को लूज नहीं करेंगी बट दे विल गिव मैग्नेटिज्म टू दिस आयरन बार. सो दीज आर द टू मेथड्स, सिंगल टच मेथड एंड डबल टच मेथड, दैट मेक अ आयरन पीस सिंपल मैग्नेट. फ्रॉम दीज वी कैन से दैट वी कैन मेक अ मैग्नेट बाय मैग्नेटाइजेशन.